हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस चैनल पे पहली बार होगी एक इलेक्ट्रिक गिटार की अनबॉक्सिंग। ये है वॉल्ट का LP1MN। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो काफी हेवी बॉक्स है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गिटार है तो ज्यादा वेट होना ही है। तो पैकेजिंग काफी अच्छी है। इस बार जो है मैंने कोई भी शिपिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए, कोई फास्ट शिपिंग का ऑप्शन नहीं रखा। जो शिपिंग थी वो स्टैंडर्ड शिपिंग थी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की पैकेजिंग होती है स्टैंडर्ड शिपिंग में। तो स्टैंडर्ड शिपिंग में बस यही है कि मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। स्टैंडर्ड शिपिंग में ना कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, बस ये एक बाहर का बॉक्स हो गया और अंदर ये जो इसमें बॉक्स होगा वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक गिटार होगा। तो इनकी जो स्टैंडर्ड शिपिंग है वो एकदम वैसी है जैसे कि आपको अमेज़न पे मिलती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप बजाओ से ही लेते हैं लेकिन अमेज़न के थ्रू तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है। तो लगभग सेम एक्सपीरियंस है, उसी तरीके की पैकेजिंग है। तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब तक कि गिटार सेफ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में। तो फटाफट चलिए गिटार निकालते हैं। काफी हैवी गिटार है ये। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक क्वालिटी चेक लिस्ट है और सब कुछ इन्होंने चेक करके दिया है। तो चलिए फटाफट खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं किस तरीके का गिटार है। तो ऐसा कुछ एक्सेसरीज तो नहीं है इसके साथ, बस एक जो है केबल साथ दे दी है। देखिए ये एक टेस्टिंग केबल होती, कुछ इतनी खास नहीं होती। इस पर बहुत ज़्यादा आपको रिलाय भी नहीं करना चाहिए, एक ब्रांडेड केबल लेनी चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि गिटार कैसा है। तो काफ़ी ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम फिनिश है, काफ़ी ही प्रीमियम लुक है एक्चुअली, और बहुत ही बढ़िया है। देखिए देखने में तो बहुत ही शानदार है। करीब 10,300 का आता है ये और उस हिसाब से काफ़ी ही शानदार है। एकदम ही जो गिब्सन लेस पॉल होता है, आई नो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते ऑब्वियसली कहाँ गिब्सन या एपिफोन, लेकिन 10,000 रुपीज़ में जो ये इलेक्ट्रिक गिटार ऑफर कर रहे हैं काफ़ी ही प्रीमियम फील है। मतलब बजट में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है और छोटी छोटी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगा जो इसमें देखने वाली हैं, वो मैंने ऑलरेडी नेट पर जब मैं ऑर्डर करा था तभी देखा था। तो काफ़ी अच्छी है। प्लस एक चीज़ जो है यहाँ पर जो इनलेस है वो डॉट वाले नहीं है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, काफ़ी अच्छी फील है ओवरऑल। तो कलर जो है ये चेरी बर्स्ट कलर है, पीछे से आप देखेंगे तो ये रेडिश मरूनिश है। तो बहुत ही बढ़िया, नेक भी सेम कलर का है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार अच्छे से इसको चेक करते हैं। नॉब्स भी काफ़ी प्रीमियम फील की है। चलिए इसे फटाफट ट्यून कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका ओवरऑल एक्शन कैसा है, सेटअप कैसा है। तो मैंने गिटार ट्यून कर लिया है, अब इसको अच्छे से एम्पलीफायर में लगाकर चेक करेंगे। लेकिन पहले बेसिक में ओवरऑल इसके एक्शन की और सेटअप की बात करूँ तो ठीक है, अभी भी हल्का हल्का डी ट्यून हो रहा है, लेकिन एक बार मैं और कर दूंगा इसको ट्यून। तो ओवरऑल जो एक्शन है वो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लो कर सकते हैं अगर करना चाहें। इलेक्ट्रिक गिटार पे थोड़ा सा लो ही अच्छा लगता है। बहुत ही इन्होंने अच्छी चीज़ ऑफर करी है 10,000 रुपीज़ में। मतलब आपको जो ये गिटार है ना इतने अच्छी बिल्ड नहीं मिलेगी। ऑल द वे मेड इन चाइना यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि चाइना में बना तो अच्छा नहीं होगा। अगर क्वालिटी का ध्यान रखा जाए और जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है जैसे कि फ्रेट्स अच्छे से फाइल की जाए, सेटअप ओवरऑल अच्छा हो, पेंट जॉब जो है वो अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट ना लें, मतलब ये चीज़ है। तो काफ़ी अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है, काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, लग नहीं रहा कि जैसे 10,000 रुपीज़ का गिटार है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। साथ ही साथ अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊं, जैसे इसमें इन्होंने एक पिक गार्ड दिया है। तो लेस पॉल जो आप देखेंगे प्रीमियम वाला होता है उसमें इस तरीके का आपको फीचर मिलता है। कॉर्ड की भी एक CR सीरीज़ आती है,
तो उसमें भी सिर्फ जो अपर एंड मॉडल्स होते हैं जैसे कि CR200 या CR250, आई थिंक CR250 में तो मिलता है, 200 में मेरे को डाउट है, एक बार देखना पड़ेगा, बट CR250 में मिलता है, तो वो भी करीब 27,000 का आता है। एपीफोन के भी जो प्रीमियम मॉडल्स होते हैं उनमें आपको इस तरीके का पिक गार्ड मिलता है। इस गिटार में मुझे एक और सरप्राइजिंग फीचर मिला, वो है ट्रेपेजॉइड इनलेस। अब क्या हुआ, जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था bajao.com पे, तो जो पिक्स थी उसमें डॉट लगी हुई थी बेसिकली इस गिटार पे, तो मुझे लगा ठीक है भी 10,000 रुपीज़ के गिटार में इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कुछ फैंसी इनलेज हो, लेकिन जब अभी खोला तो देखिए इसमें ट्रेपेजॉइड इनलेज है। तो बेसिकली गिब्सन लेस पॉल के जो प्रीमियम मॉडल्स होते हैं उसमें ट्रेपेजॉइड इनलेज होते हैं, जो उनके एकदम स्टार्टिंग मॉडल होंगे उसमें आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रीमियम मॉडल्स मिलेंगे। इसी तरह जो और कंपनीज हैं जैसे कि कॉर्ड की CR सीरीज आती है तो उसमें CR250 में मिल जाते हैं ट्रेपेजॉइड इनलेज। तो बेसिकली इसका कुछ साउंड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो लुक है गिटार की वो काफ़ी प्रीमियम हो जाती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसमें इस तरीके की इनलेज है इतने प्राइस में, बेसिकली 10,000 रुपीज़ में आपको इस तरीके की प्रीमियम लुक मिल रही है ओवरऑल। अगर वुड वाइज देखा जाए तो ये बेस वुड है, जो इसकी बॉडी है वो बेस वुड की है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी वेट है। बेस वुड में यूजुअली क्या होता है कि जो गिटार है वो लाइट वेट का होता है, जिसकी भी बॉडी बेस वुड की होती है वो गिटार लाइट वेट का होता है, तो उस हिसाब से हैवी है और काफ़ी अच्छी फील दे रहा है गिटार। मतलब एकदम ही जैसे गिब्सन लेस पॉल मैंने प्ले किया हुआ है, तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन 10,000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे इन्होंने ऐड करी हैं और जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी अच्छी है। सेटअप भी इसका काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत आपको अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। बाकी जो हार्डवेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो ब्रिज है यहाँ पे वो भी अच्छा है और जो ट्यूनर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूँगा कि इसमें जो नेक जॉइंट है वो बोल्ट ऑन नहीं है। अब यूजुअली क्या होता है, जो सस्ते गिटार्स होते हैं जो करीब 10,000 से 12,000 के या जो एकदम ही बिगनर रेंज के लिए होते हैं उसमें बोल्ट ऑन नेक होता है। इस गिटार में आपको सेट नेक मिल रहा है। अब सेट नेक बेसिकली होता है कि यहाँ पे जो नेक है बॉडी में ही जॉइन हो जाता है, यहाँ पे कोई बोल्ट नहीं है, कोई स्क्रूज नहीं है जिससे कि ये अटैच हो रहा हो, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बेसिकली ये थोड़े हाई एंड गिटार्स में होता है, या मेरे को कहना चाहिए जो 20,000 या उससे ऊपर के गिटार्स होंगे उसमें आपको मिलेगा। इस गिटार में आपको 4 नॉब्स मिल जाती हैं, तो 2 नॉब जो है वो नेक पिकअप की हो गई, 1 नॉब से जो है वॉल्यूम कंट्रोल होता है और इसकी पीछे वाली नॉब से जो है टोन कंट्रोल होती है। इसी तरह ब्रिज पिकअप के लिए ये 2 नॉब्स होती हैं, तो ये वाली नॉब जो है इस पिकअप का वॉल्यूम कंट्रोल करती है और जो पीछे वाली नॉब है वो टोन कंट्रोल करती है। पिकअप सिलेक्टर की फील भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से पोजीशन किया है कि चेंज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फटाफट इसका एक बार साउंड चेक कर लेते हैं। इस गिटार के साउंड चेक के लिए मैंने बहुत बेसिक सा एम्प यूज़ किया है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे है कॉर्ड का MX-15R, जो कि बहुत बेसिक सा एम्प है। इसमें क्लीन और क्रंच का ऑप्शन है बस, तो एक बटन से ही आप क्लीन और क्रंच मोड में स्विच कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें रिवर्ब है, तो बहुत बेसिक सा एम्प है। और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि जो ये गिटार ले रहा होगा उसका बहुत बेसिक बजट होगा एक गिटार के लिए और एम्पलीफायर के लिए, इसलिए मैं इस गिटार को इस एम्पलीफायर के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक लाइन 6 का एम्पलीफायर भी है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा कि मैं आपको दोनों एम्प्स के साथ इस वीडियो में कवर करके दिखाऊँ। तो अगर आप लाइन 6 की टोन सुनना चाहते हैं कि ये गिटार कैसा साउंड करता है लाइन 6 एम्प के थ्रू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं इसकी वीडियो ज़रूर डालूँगा। Thank you.
इस गिटार का साउंड चेक। तो ओवरऑल मेरे को तो ये गिटार बहुत पसंद आया। प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा गिटार है, काफी ही प्रीमियम है, साउंड वाइज भी काफी अच्छा है। मतलब 10,000 रुपीज में मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लग रहा था एवरेज होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा निकला ये। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा किसी भी बिगनर को कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक गिटार लेना है तो आप इस गिटार को जरूर देखिए, काफी अच्छा गिटार ये। वॉल्ट के और भी ये वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कि एक स्ट्रैट शेप आता है, एक टेलीकास्टर शेप आता है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से अरेंज हो पाए या मैं खुद खरीदूंगा उसको और टेस्ट करूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने ये वाला गिटार लेके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, मुझे बहुत ही खुशी है। और पिकअप भी इसकी डिसेंट है, ऐसा कोई बुरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली 10,000 रुपीज में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी ब्रांडेड पिकअप जो होती हैं वो काफ़ी हाई एंड गिटार्स में आती है। कुछ 30-40 हज़ार से कम का तो कोई भी गिटार नहीं होगा जिसमें कि आपको ब्रांडेड पिकअप्स मिले, जैसे कि सिमोर डंकन, EMG या डी मार्जियो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 10,000 है या थोड़ा बहुत भी कम है तो स्ट्रेच करके आप इस गिटार को लीजिए, बहुत ही अच्छा है ये। तो आप लोगों को कैसा लगा ये गिटार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बाय।